आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि खटीमा उनकी जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी रही है, इसलिए वह खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि उसमें कोई संदेह नहीं है कि खटीमा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि सीएम धामी ने यह भी कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पार्टी जहां से भी चुनावी मैदान में उतारना चाहेगी वह तैयार है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं चूंकि मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि और वहाँ की जनता ने मुझे लगातार सेवा का अवसर प्रदान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी पार्टी का आदेश अंतिम है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बीजेपी में किसी भी तरह के असंतोष को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। पार्टी उन प्रत्याशियों को वरीयता देगी जो चुनाव में जीत हासिल करेंगे। विजय बहुगुणा ने कहा कि पार्टी में सभी लोग निष्पक्ष होकर प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। विजय बहुगुणा ने कहा कि हम लोग चुनाव को सीरियसली लेकर लड़ते हैं और सभी लोग एकजुट होकर चुनाव जीतते हैं। बीजेपी में जो भी निर्णय हो वह सामूहिक है और सर्वसम्मत को लेकर निर्णय होते हैं। हम लोग चुनाव को सीरियसली लड़ते हैं और परिणाम जनता निर्णय देती है, लेकिन हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद पार्टी को मिलेगा और जो हमारा लक्ष्य है साथ हम प्राप्त करेंगे। थराली विधानसभा सीट पर जहां भाजपा के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त के चलते अभी तक वह अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है, तो वहीं अभी तक कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पार्टी हाईकमान निश्चिंत थे। पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम की उम्मीदवारी पर कोई चुनौती नहीं है, पर अब कांग्रेस के तीन सक्रिय कार्यकर्ताओं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश शंकर त्रिकोटी, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि संदीप पटवाल और पूर्व महाविद्यालय अध्यक्ष प्रताप राम ने संयुक्त रूप से अपनी अपनी दावेदारी को हाईकमान के समक्ष प्रस्तुत कर पार्टी में खलबली मचाकर मुश्किल बढ़ा दी है। अपनी दावेदारी को लेकर तीनों लोगों ने अपनी लंबी शुरू कर देहरादून और दिल्ली तक डेरा डालकर गुहार लगाई है। अभी पिछले दिनों नारायणगढ़ में हुई पिंडर घाटी के तीन ब्लॉकों की बैठक में भी कांग्रेस पर्यवेक्षक कुलदीप पठानिया के समक्ष भी इन दावेदारों ने अपनी पीड़ा को बयां कर कहा था कि पार्टी में दूसरे लोगों को भी अवसर और सम्मान दिया जाना चाहिए। विधानसभा थराली का हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ हमेशा जो प्रत्याशी रहा है वो धुरपट्टी से रहा है। जो 2008 से हम लोग देख रहे हैं, लगातार 2008 से मैं भी कांग्रेस पार्टी के लिए तनमन धन से काम कर रहा हूँ और हमारे यही मानना है कि आज विधानसभा थराली जो है वहाँ युवाओं की काफ़ी चाहत है और हम चाहते हैं कि वहाँ से किसी युवा चेहरा को प्रत्याशी बनाया जाए। हम उसका स्वागत करते हैं। और हमारा मानना है कि वो स्वागत योग्य है, हाईकमान को आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ वो क्षेत्र में परमानेंट रहते नहीं है। वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उस विधानसभा को चलाते हैं। वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं क्योंकि अभी वर्तमान में पद पर हैं। हमने उनको बहुत दफ़े कहा भी, हम तो संगठन के लोग, कि भाई आपको अगर क्षेत्र की सेवा करनी है, हमने उत्तराखंड का जो हमारा आंदोलन था हमने इसलिए मांगा था कि इसमें छोटी छोटी इकाइयाँ और जनप्रतिनिधि जनता के साथ 24 घंटे हो। आज इस 21 साल बीत जाने के बाद भी हमारी मूलभूत सुविधाएं अभी भी पूरी नहीं हुई। हम तीनों एक संयुक्त रूप से पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि हम तीनों लोगों ने भी आवेदन किया है, ड्राफ्ट लगा करके ICC को भेजा है। जो अभी मौजूदा हालात थराली विधानसभा के हैं उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है और अभी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अच्छे मतों के साथ वहाँ से सीट निकाल सकती है, लेकिन इस ओर हाईकमान जरूर ध्यान आकर्षित करें कि जो हम तीन लोग दावेदार हैं इन लोगों की भी बात सुनी जाए, इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया जाए।
वहीं रुड़की की मंगलौरी कोतवाली क्षेत्र के मुंडलाना गांव में देर रात घर से बाहर जा रहे युवक को गोली लगने से हड़कंप मच गया। वही युवक की आवाज सुनकर लोगों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की मदद से हसीन को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस के युवक की गांव में किसी से कोई रंजिश होने भी नहीं, तो ऐसे में उसे गोली किसने और क्यों मारी, इसकी पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर आने का भी इंतजार कर रही है। वहीं गांव में इस घटना के बाद सन्नाटा पसरा है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की काफी खौफ ज्यादा है। यही वजह है कि अब छात्र विवि प्रशासन से परीक्षाएं स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में कई छात्र विवि के परीक्षा नियंत्रण के कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। साथ ही उन्होंने परीक्षाओं को स्थित सामान्य होने तक स्थगित करने की मांग उठाई है। शाम जैसी गढ़वाल विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास में रहने वाली भागीरथी हॉस्टल में चार लड़कियां, उनकी रिपोर्ट जैसे ही कोरोना पॉजिटिव हम लोगों के बीच ये सूचना पहुंची। आज हम लोग सब यहां पे, हमारा छात्र संघ का पूरा प्रतिमंडल और आर्यन छात्र संगठन के लोग यहां पर आए हैं, और हम लोगों की परीक्षा नियंत्रक से ये मांग थी कि जितने भी बीटेक और एमबीए में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो स्थगित किए जाएँ जब तक पूर्ण रूप से स्थिति साफ नहीं हो जाती है विश्वविद्यालय के भीतर। और एक बड़ा सवाल विश्वविद्यालय के पास हम लोगों का ये भी है कि महिला छात्रावास में छात्राएं किस तरीके से उनको प्रवेश दिया गया बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के। आज सभी छात्र छात्राएं हरिद्वार जिले से भी गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम कुछ दिनों में होने वाले हैं, और उनकी बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के उनको हॉस्टल में कैसे प्रवेश दिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए है। तो इस कोरोना काल में जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना अपनी चपेट में छात्रों को ले रहा है, अपनी चपेट में पूरे राज्य के लोगों को ले रहा है, तो हमारी मांग, प्रमुख मांग ये है कि इस परिस्थिति में जो विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं कराई जा रही हैं वो परीक्षाएं तुरंत तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाए। मेरा दिक्कत यही है कि सर मेरा रिजल्ट अब्सेंट हो रखा है, जबकि मैंने सारे असाइनमेंट वगैरह सब सबमिट कर रखे हैं, जिसका मेरे पास फोटोकॉपी भी पड़ा हुआ है। पेपर कब हुए थे? पेपर नहीं हुए थे ना, इस बार प्रमोट होने का सीन था कोरोना के टाइम में। 2022 विधानसभा चुनाव का विगुल बज चुका है, जिसको लेकर यूपी उत्तराखंड सीमा दोराहा पर बाजपुर पुलिस और रामपुर पुलिस ने सीमा पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें चार पहिया वाहनों को रोककर उनकी जांच की गई। आपको बता दें कि दोनों राज्यों की पुलिस सीमा पर चौकसी बरत रही है और आने जाने वालों वाहनों को चेक कर रही है। खबर चेहरी से है, जहां गढ़वाल मंडल सुशील कुमार आज जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को लेकर की गई तैयारियों के संबंध में जनपद के समस्त अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर एवं नोडल ऑफिसर के साथ समीक्षा बैठक की गई है। उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी अधिकारी निर्वाचन के तहत सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करें, सभी व्यवस्थाएं अपने स्तर से तत्पर से करना सुनिश्चित कर लें, किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। कहा कि सभी पोलिंग पार्टियां समय से पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर मॉक ड्रिल कर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराएं। विधानसभा निर्वाचन 2022 के विषय में उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक आज यहां पर ली गई है, जिसमें जनपद के सभी अधिकारी जिला स्तरीय रहे, उसके अलावा आरओ एआरओ और नोडल अफसर विभिन्न विभागों के वो बैठक में सम्मिलित हुए। ये निर्वाचन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कोविड की भी स्थिति है और चुनाव भी होना है, इसलिए बहुत सतर्कता के साथ और पूर्ण तैयारी के साथ हमें निर्वाचन संपन्न करवाना है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए पैड़ी जनपद को मिले अर्धसैनिक बलों के 30 जवानों के कोविड-19 पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। इसके बाद सभी कोविड पॉजिटिव जवानों को कोटद्वार में आइसोलेट किया गया है।
इसके अलावा पैड़ी में मौजूद अन्य 75 में से अधिकांश में कोरोना जैसे लक्षण दिखने से दहशत है। इसी वजह से इन सभी को भी फिलहाल जांच रिपोर्ट आने तक आइसोलेट कर दिया गया है। विकासनगर तहसील से कटा पत्थर गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपने सौतेले मां को दो दिन पहले हवस का शिकार बनाया, फिर उसके बाद आरोपी ने अपने मां को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसका शोर सुनते ही गांव के लोगों ने मां को बेटे के चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। विकासनगर क्षेत्र का मामला है। 13 तारीख को मनोज ने अपनी सौतेली माँ से लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट करी और इतना ज़्यादा मारपीट करी कि हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा उसे, और बाद में कल उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। अभियुक्त मनोज को हमने गिरफ्तार कर लिया है और मृतका श्रीमती रोशनी देवी का पंचायतनामा और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। धारा मुख्य धारा इसमें 302 है और तहरीर के आधार पर हमने 376 भी इसमें लगाई है। थैंक यू। क्या नाम है? संतराम। क्या बात हुई? बात क्या हुई जी? मार दी उसने लड़के ने। किसका लड़के ने? मनोज ने। किसका लड़का है मनोज? मनोज संतराम का। तुम्हारा क्या लगता है? लड़का लगता है जी। तुम्हारा लड़का है? हाँ जी। क्यों मारा उन्होंने? पता नहीं, बलात्कार कर रहा था वो रात को। हाँ जी, शाम के टाइम। नशे का आदी है क्या वो? नशा करता है? हाँ जी। हैं? हाँ जी। तुम कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम मैं बैठने जा रखा बाइक से। तो फिर तुम्हें कैसे पता लगा? मैं ऊपर आया जी घर पे, उतने को उनका दम घुट रहा था, मैंने पानी दिया पीने को, थोड़ा सांस आ गया। दूसरे दिन आप अस्पताल ले गए विकास नगर। हाँ जी। ये कौन थी मरने वाली? रोशनी देवी। तुम्हारी घर वाली है? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो क्या यहाँ रिपोर्ट किसने कराई? रिपोर्ट हमने करी। तुमने करी? हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? चाहते जा अंदर करो। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, तो नहीं इसको दोबारा? नहीं साहब, जमानत कोई नहीं करेगा। जमानत करने जाएगा उसको भी अंदर करो। अच्छा। हाँ जी। यही चाहते हो? हाँ जी। टिहरी में आज उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने मकर संक्रांति के अवसर पर और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धने ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि यह नया दल है, एक बार मुझे भी विधानसभा जाने का अवसर मिला जिसका मुझे अनुभव है, उसी अनुभव को सम्मिलित करते हुए हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है। आगे कहा कि उत्तराखंड को लेकर कि मूल निवास प्रमुख मुद्दा है। पत्र कह रहे हैं, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये नया दल है और मुझे भी एक बार विधानसभा जाने का अवसर मिला, लेकिन वो उन अनुभवों को संकलित करते हुए आज आपके सामने कह सकता हूँ कि हमारा जो घोषणा पत्र है ये उत्तराखंडित को लेकर है, जिसमें मूल निवास भी एक बहुत प्रमुख मुद्दा है और इसके अलावा भी सारे प्रमुख मुद्दे हैं। हम अगर जनता का हमको आशीर्वाद मिला और हम जनता से मांग करते हैं कि हमारे जितने भी प्रत्याशी, मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करना चाहूँगा कि मुझे अगर 4 विधायक भी उत्तराखंड की जनता ने दिए, कम से कम अगर 4 विधायक भी, तो ये जो संकल्प पत्र है, मैं अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि ये संकल्प पत्र ये सरकार का संकल्प पत्र होगा, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन और जो मुद्दे हैं उन पर भी हम यथाशक्ति यथासंभव हम इसको क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो यह रही उत्तराखंड की कुछ खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी
सच साहस सरोकार।